साक्षात बद्री विशाल जी यहाँ विराजमान चारों तरफ पहाड़ियों का आलम। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये देवभूमि है, हिमालय की गोद में हम बैठे हुए हैं और लोग जो है फोटो सेशन सेल्फी लेते हुए यहाँ पर देखिए कितना क्राउड है, सब यहाँ बैठे। और वकील साहब जी कथा सुनाते हुए कि यहाँ का क्या महत्व है और यहाँ की क्या ये है। और देखिए श्रोता भी बड़े गजब है, सुनते हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, देख सकते हैं सभी। और ब्रह्मचारी जी पीछे खड़े हैं और ये देखिए अलकनंदा का भी मैं दर्शन कराऊंगा आपको। देखिए ग्वाल जो इनका फोटो सेशन होता है, ये इसी तरीके का होता है। और मैं बताऊंगा, देखिए ये पुल है, इसके नीचे से अलकनंदा बहती हुई, बद्री विशाल के दर्शन बहुत जरूरी है। और राम जी, राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में बताना चाहूँगा, 9 तारीख को उनकी घोषणा हुई, कोर्ट ने उन्हें सारे नियम जो शंकराचार्य जी, जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने कहा था, उनकी सारे नियम सारी बातें जो है सच साबित हुई और कोर्ट ने भी ये मान लिया कि वहाँ पर राम जी जन्म लिए थे, राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पर, यशोदा की गोद में राम जी का भव्य विशाल अंकुर वाटिका वाला जैसा मंदिर बनना चाहिए, और यही घोषणा हुई है शंकराचार्य जी की तरफ से। और बहुत भव्य विशाल मंदिर बनेगा ताकि वहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में लोग एक साथ खड़े होकर एक जगह पर दर्शन कर सकेंगे, आरती कर सकेंगे भगवान की। और ये बद्रीनाथ से, बद्री विशाल से मैं आपको ये दृश्य दिखाता हुआ, साक्षात बद्रीनाथ बद्री विशाल यहाँ विराजमान। और 6 महीना यहाँ पर दानव देव पूजा करते हैं और 6 महीना मानव पूजा करते हैं। देखिए मानव सब आए हुए हैं सेल्फी लेते हुए। और जब देव पूजा करते हैं तो यहाँ पर प्रिया आती है, और यहाँ पर प्रिया जब आती है तो देखिए फोटो सेशन चल रहा है। और हमारे ये एक फोटो सेशन ये भी है वकील साहब के साथ, एक सेल्फी लीजिए, एक इंतहा देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। कितना करके बोल रहे थे फोटो टाइगर को, सॉरी